मैं किशन नायक लंगड़े की झुकी हनुमान मंदिर से जो है आज जो हमारे त्योहार श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसके अंदर लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर के गोतमना डाकखाने के सामने टिटू पंडित जी के मंदिर से प्रारंभ निकल करके विजयनगर कॉलोनी होते हुए ये जो है वार्ड 86 के अंदर भ्रमण कर रही है। और भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा से इसके अंदर हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग जुड़े हुए हैं और हर जगह भजन कीर्तन और ढोल लंगाड़े मिलन बैंड के साथ में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप देख रहे हो, जिसके अंदर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के सीता मैया के स्वरूप बाल स्वरूप भी बैठे हुए हैं और भक्तजन भक्ति सागर में इतने झूम करके लगे हुए हैं, जिसके अंदर जगह जगह भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी रखी है भक्तजनों ने। और भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य है और ये रथ रुकने वाला नहीं है, जिसकी हमें वर्षों से इंतजार था, आज वो शोभा की घड़ी हमें प्राप्त हुई है। न जाने हमारे पूर्वजन कितने जने इस राम मंदिर के लिए अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां खपाते चले गए, आज हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम भगवान श्री रामचंद्र जी के शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और बड़ी हर्षोल्लास के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ में जोर से नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। मैं ऋषभ गुप्ता पार्षद विजयनगर कॉलोनी श्री राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा निकाली गई है हमारे विजयनगर में। आज बहुत ही सब लोगों का प्रेम मिल रहा है हमें और पूरा राम प्रेम हो गया हमारा विजयनगर। और मैं सभी जनता को भी धन्यवाद दूंगा जो पूरे राम में जन्मभूमि करने में हमारे साथ खड़ी गई। ये शोभा यात्रा हमारी प्राचीन बंगले लंगड़ी की चौकी मंदिर से चालू होकर और विनय अपार्टमेंट से होते हुए गंगेश्वर कैंपस पर समापन करेगी और उसमें बहुत ही हजारों आदमियों का जनसमूह हमारे साथ है आज। और सभी को मैं धन्यवाद दूंगा